आपको मिर्जापुर के लालगंज की ओर ले चलते, जहां कोतवाली क्षेत्र के बरगज गांव में शीतलहर और कोहरे से ग्रामीण जनता परेशान, जिसमें चीनी प्रसाद और राजेश कुमार और अन्य महिला पुरुषों से जानकारी मिली कि हम लोगों का धान की फसल सड़ गई बारिश की वजह से और गेहूं की भी फसल दोबारा बोया गया। बारिश होने और धूप ना होने के कारण बीज भी सड़ गए और सरसों की खेती, चना की खेती भी नष्ट हो रही है कोहरे के कारण, और पशु भी परेशान है। आवारा पशु काफ़ी रात दिन परेशान कर रखे हैं, जो फसल है उसे भी नष्ट किए दे रहे हैं। इसी बात को लेकर किसान परेशान है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मिर्जापुर लालगंज से संवाददाता भूप नारायण की खास रिपोर्ट। प्रयाग एक्सप्रेस से मैं भूप नारायण मौर्य आपको ले चलता हूँ मिर्जापुर जिला के थाना क्षेत्र लालगंज ग्राम बरकच में। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इस ठंडी कोहरा से क्या इनको परेशानी है, ठंडी कोहरा के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। दाऊ जी आपका क्या नाम है? चीनी प्रसाद। ये ठंडी कोहरा के बारे में कुछ कहना चाहते हैं साहब? का बोलो थे कि ठंडी कोहरा बड़ा तेज पड़ा था, का बोलो थे कि बरसात भी हो यही का बोलो थे कि पशु मर रहे हैं, मनई मर रहे हैं का बोलो थे, और बारे में का बोलो थे कि धान भी सड़ गया, गेहूँ भी कुल सड़ा जा रहा है। इसे आप लोग कोहरा से बना, अभी घाम नहीं दिख रहा है? नहीं यार, तो घाम नहीं, नुकसान हो गया। चलिए ठीक है, आइए इनसे जानते हैं। आप भी बताइए क्या नाम है आपका? अरे भाई बोलो बोलो बोलो। ठीक है, हाँ बोलिए राजेश, क्या नाम है? हमारा नाम है राजेश। ठंडी कोहरा के बारे में कुछ? अरे ठंडी कोहरा के बारे में, ठंडी इतना तेज पड़ रहा था, कोहरा से तो आँखें नहीं दिखाता कह रहे हो। तो कोहरा के से क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है गेहूँ चना धान सब ऐसा में सड़ गया है, कोई परेशानी सरसों मरसों सब खराब हो रहा है। हाँ खराब हो रहा है। ठीक है, आइए इनसे जानते हैं आपका क्या नाम है। बोले प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए मिर्जापुर से भूप नारायण की खास रिपोर्ट। आपका पसंदीदा चैनल प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज स्टार टीवी पे उपलब्ध है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल की खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।